नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। NPS से 25% राशि विड्रॉ अगर आपने की है तो वो जमा करवाने का पोर्टल शुरू हो चुका है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी SSID लॉगिन करनी है। उसके बाद SIPF का जो न्यू पोर्टल है उस पर क्लिक करना है। ये पेज खुलकर हमारे सामने आ चुका है। अब एक नया टैब शुरू हुआ है, NPS विड्रॉल रिकवरी। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने पर ये डिटेल्स हमारे सामने आ चुके हैं। इसमें जो अमाउंट विड्रॉ किया था वो किस डेट को विड्रॉ किया था, सारी डिटेल आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ चलना है। नीचे की तरफ आने पर ये ऑप्शन आए हैं, इसमें आपको ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट करना है कि आप कैसे पेमेंट वापस जमा करवाना चाहते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो ऑनलाइन मोड बेटर रहेगा, ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो अमाउंट है अपने आप आएगा। अब आपको अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है, जैसे मैं अपनी डालूँगा सीकर। उसके बाद आपको अपने पिन कोड डालने हैं। और रिमार्क में ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया है, NPS विड्रॉल रिकवरी। उसके अब आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करके आप अपना पेमेंट या तो एक बार में आप अगर पूरा जमा करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, या 31 दिसंबर 2022 तक 4 किस्तों में आप जमा करवा सकते हैं। ये वापस जो राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं जिनके पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है उनको ही जमा करवाना है, अन्य राज्यों के लिए नहीं है ये।